दोस्तों, अगर आप एक इंस्टाग्राम यूजर्स हो और रील्स पर भी शॉर्ट वीडियो बना करके अपलोड करते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है इंस्टाग्राम रील्स के अंदर कि जो रील्स की वीडियो आप लेटेस्ट अपलोड कर रहे हैं वो तो शो हो रही हैं, बट जितनी भी आपकी पुरानी रील्स की वीडियो आपने अपलोड की हुई है, एक महीने पुरानी, दो महीने पुरानी या फिर छः महीने पुरानी, वो रील्स की वीडियो आपको इंस्टाग्राम पर शो नहीं हो रही है और आपकी प्रोफाइल में भी शो नहीं हो रही है। और अगर आप किसी फ्रेंड के, फैमिली मेंबर के इंस्टाग्राम में जा करके अपनी प्रोफाइल को चेक कर रहे हो तो वहाँ पर भी आपकी रील्स की वीडियो जो कि पुरानी अपलोड हैं वो शो नहीं हो रही हैं और उन पर अच्छे खासे व्यूज़ भी हैं लेकिन वो शो नहीं हो रही है। और अगर आप उन्हीं वीडियो को इंस्टाग्राम लाइट एप्लीकेशन के अंदर जा करके चेक कर रहे हो तो वहाँ पर वो वीडियो शो हो रही है। काफ़ी पर्सन की प्रॉब्लम ये है कि उनकी जो ओल्ड वीडियो है इंस्टाग्राम लाइट के अंदर तो वो शो हो रही है, बट इंस्टाग्राम की जो ऑफिशियल एप्लीकेशन होती है उसके अंदर शो नहीं हो रही है। लेटेस्ट वीडियो जितनी भी अपलोड कर रहे हैं वो सब शो हो रही हैं, बट जितनी भी ओल्ड वीडियो हैं, पुरानी वीडियो हैं, वो शो नहीं हो रही हैं। तो ये प्रॉब्लम आपको क्यों आ रही है, इसका सॉल्यूशन क्या है, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप इस प्रॉब्लम को फिक्स करना चाहते हो तो वीडियो के अंदर जो तरीका आपको बताया जाएगा बस उसी को आपको फॉलो करना होगा, उसके बाद में आपकी ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं शाहिद SS यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लो ताकि आने वाली मेरी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ पर्सन मुझसे ये कह रहे हैं कि भाई हमारी जो ओल्ड वीडियो हैं उन पर अच्छे खासे व्यूज़ हैं, कहीं वो डिलीट तो नहीं हो गई, क्यों पब्लिक को शो नहीं हो रही है। तो मैं आपको बता दूँ, ये एक ग्लिच है, एक बग है, एक टेक्निकल फॉल्ट है जो कि इंस्टाग्राम की तरफ से है। अगर आपकी वीडियो डिलीट हो जाती या आपकी वीडियो रिमूव हो जाती तो आप जो है जब लाइट में उनको चेक करते हो तो इंस्टाग्राम लाइट वर्जन में भी वो शो ना होती, क्योंकि इंस्टाग्राम लाइट वर्जन जो है ये भी इंस्टाग्राम वालों का ही है। अब अगर उसमें शो हो रही है तो समझ लीजिए जो इंस्टाग्राम की ऑफिशियल एप्लीकेशन है उसके अंदर एक ग्लिच है, एक बग है, जिस वजह से वो आपको शो नहीं हो रही है। और ये बग, ये ग्लिच हो जाता है, जल्दी सॉल्व हो जाएगा, बस आप जो है ना अपडेट करते रहें अपनी इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन को और उसी के साथ आपकी जो ये प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगी। लेकिन अगर आपको यहाँ पर 1 वीक, 2 वीक्स, 3 वीक्स, 4 वीक्स हो गए और अभी तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो आपको एक रिपोर्ट करनी होगी इंस्टाग्राम टीम के पास में। रिपोर्ट क्या करनी है, क्या लिखना है, किस तरह से रिपोर्ट को सेंड करना है, सही तरीका क्या है जिससे हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इसी वीडियो के अंदर आपको पता लगने वाला है। मैं आपको लाइव यहां पर रिपोर्ट करके दिखाऊंगा जो कि इंस्टाग्राम टीम को करनी है। मोबाइल की स्क्रीन पर मैं आपको लेकर के चलूंगा और जो स्टेप, जो तरीके मैं आपको बताऊंगा उनको आपको फॉलो करना होगा। उसके बाद में आपकी रिक्वेस्ट जो है चली जाएगी इंस्टाग्राम टीम के पास में, वो आपकी प्रॉब्लम को चेक करेंगे और उसके बाद में आपकी प्रॉब्लम वो सॉल्व कर देंगे। तो आइए मैं आपको लेकर के चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर और मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको रिपोर्ट डालनी है, किस तरीके से जो है आपको रिक्वेस्ट यहाँ पर सबमिट करनी है इंस्टाग्राम टीम के पास में। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है, उसके बाद में आपको आ जाना है प्रोफाइल के अंदर। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, हम अभी अपनी प्रोफाइल के अंदर हैं। ये मेरा ऑफिशियल अकाउंट है, आप यहां पर देख सकते हो। अगर कोई भी बात, कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो तो फॉलो करें यहां पर ShahidSS786 पर, और फॉलो करने के बाद अपना कोई भी सवाल मुझसे पूछ सकते हो और अपनी कोई भी प्रॉब्लम मुझसे सॉल्व करा सकते हो। यहां पर आने के बाद में जब आप प्रोफाइल पर आ जाएंगे तो आप अपनी प्रोफाइल का एक इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में अब आपको वहां ऊपर में 3 लाइंस नज़र आ रहे हैं, यहां पर 3 लाइंस पर यहां पर क्लिक करना है, ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। सेटिंग पर क्लिक करना है, उसके बाद में यहां आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा हेल्प का, हेल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद में सबसे ऊपर रिपोर्ट ए प्रॉब्लम, यहां पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में अगर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आता है और नीचे से ये ऑप्शन आपको ऑन दिखता है तो इसको पहले ऑफ करेंगे, उसके बाद में यहां रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पर यहां पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में यहां पर थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग होने के बाद में यहां इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ऑटोमेटिकली यहां पर आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाई दे सकता है, इसको यहां पर कट करने का एक ऑप्शन होता है, यहां से कट करेंगे, गैलरी पर क्लिक करेंगे, जो स्क्रीनशॉट प्रोफाइल का आपने लिया है उसको यहां से सेलेक्ट करेंगे।
प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट इसलिए लगाया जाता है जब इंस्टाग्राम की टीम आपकी प्रोफाइल को चेक करेगी, उसमें यूजर नेम भी मेंशन होगा तो वो सही तरीके से आपके अकाउंट को चेक करेगी। अब इतना यहाँ पर आपने कर लिया। अब इसमें लिखना क्या है, यहाँ पर यही लिखना है जो मैं यहाँ पर आपको लिख करके दिखा रहा हूँ। और ये पूरा का पूरा मैसेज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको कॉपी कर सकते हो या नोटपैड में लिख सकते हो। और यहाँ पर भी वीडियो को बड़ा करके देख सकते हो मैंने क्या लिखा है, यही सेम चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है। लिखने के बाद में जब आप रिपोर्ट डालेंगे तो ये सेम चीज़ लिखेंगे, नीचे स्क्रीनशॉट लगाएंगे प्रोफाइल का और यहाँ ऊपर कॉर्नर में नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। मेरे अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसलिए मैं सबमिट नहीं करूँगा, आपको सबमिट करनी है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है और डन वगैरह जो भी आगे आए सबमिट आए उसको कर देना, आपकी रिक्वेस्ट चली जाएगी। आपको 1 वीक का वेट करना है, इंस्टाग्राम के जितने भी अपडेट आते रहे उनको अपडेट करना है। 1 वीक में अगर आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो गई तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होती है तो फिर से आपको रिपोर्ट डालनी है इसी तरह से यहाँ पर आकर के। और इंस्टाग्राम के जितने भी अपडेट आते रहे उनको अपडेट करते रहें। और इंस्टाग्राम का एक बेटा टेस्टर भी ज्वाइन किया जाता है, अगर आपको नहीं पता है कैसे ज्वाइन करते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेटा टेस्टर को कैसे ज्वाइन किया जाता है उस पर हमने एक वीडियो बनाया, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उस वीडियो को भी देख सकते हैं और उसके बाद में अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हैं। बेटा टेस्टर ज्वाइन करने के बाद में इंस्टाग्राम के जल्दी जल्दी अपडेट आते हैं तो उससे क्या होता है कि जो भी बग होता है, जो भी ग्लिच होता है वो जल्दी जल्दी से फिक्स होता रहता है। तो आई होप कि आप सब कुछ समझ गए होंगे, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।